नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूटी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ में तेज पांडे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिलों को झकझोर देती है, जो संबंधों पर कई सवाल खड़े करती है और अंत में यह भी साबित करती है कि अपराधी चाहे कितना शातिर हो, पुलिस के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर कल हुए एक हादसे की, जो शुरुआत में तो एक हादसा महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को खंगालना शुरू किया, दिखने लगा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो एक प्रेमिका ने रचा था अपने पूर्व प्रेमी के लिए। पूरी कहानी अब क्लियर हो चुकी है। नैनीताल जिले के SSP सुनील कुमार मीणा ने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है और हत्यारोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। ये कहानी है हल्द्वानी के इंदिरा नगर में रहने वाले नाजिम नामक एक युवक की, जो आज से तकरीबन 5 साल पहले एक महिला के प्रेम में ऐसा फंसा कि आज वो हमारे बीच नहीं। महिला की एक बेटी 15 साल की है और दूसरी बेटी तकरीबन 12 साल की है। इसके साथ ही महिला का अपने पूर्व पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है। अब जो कहानी पुलिस की निकल कर आई है, उसके हिसाब से अब से तकरीबन 5 साल पहले नाजिम नामक इस युवक का महिला से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों मिलते, साथ जीवन बिताना, ये सारे वादे इनके लगातार चलते थे। 27 नवंबर 2019 को, यानी आज से तकरीबन 37 दिन पहले, इस युवक का विवाह रामपुर टांडा की एक युवती से हुआ। दोनों परिवार संपन्न है, इस वजह से शादी धूमधाम से हुई। लेकिन शादी से ठीक पहले नाजिम की पूर्व प्रेमिका अचानक उसकी दुकान पर पहुंची और उससे विवाह ना करने की जिद करने लगी। नाजिम ने उसकी एक ना सुनी और रामपुर टांडा की युवती से उसका विवाह संपन्न हुआ। इधर चूंकि नाजिम ने शादी कर ली थी और उसकी पूर्व प्रेमिका को महसूस हो रहा था कि नाजिम ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने भी अपने तार जोड़े बाल्मीक बस्ती नवाबी रोड पर रहने वाले राधेश्याम से। पिछले कई महीनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा। दोनों प्रेम की और वही वादे जो नाजिम के साथ महिला ने किए थे, वही वादे एक दूसरे से करते हुए प्रेम की पींगे हाँक रहे थे। खबर ये भी है के राधेश्याम शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। इस बीच नाजिम की पत्नी रामपुर टांडा अपने मायके गई तो नाजिम ने दोबारा से अपनी पूर्व प्रेमिका से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उधर राधेश्याम को भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नाजिम उसकी प्रेमिका से संपर्क कर रहा है। नाजिम लगातार अपनी पूर्व प्रेमिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच राधेश्याम ने अपनी प्रेमिका से मिलकर नाजिम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार राधेश्याम पहले ही हल्द्वानी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तलड़ी नामक जगह पर जाकर खड़ा हो जाएगा और उसकी प्रेमिका नाजिम को लेकर उस स्थान पर पहुंचेगी जहाँ पे तय प्लान के अनुसार ये था कि नाजिम को राधेश्याम रोकेगा और किसी भी बात पर उससे विवाद करेगा, अंततः उसकी हत्या कर दी जाएगी। कल यानी 2 जनवरी को नाजिम को उसकी प्रेमिका ने फ़ोन करके बुलाया। नाजिम उस समय दुकान पर था। अचानक नाजिम अपनी स्कूटी लेकर निकला और हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर नाजिम और उसके प्रेमिका की मुलाकात हुई।
इसके बाद नाजिम ने उसे स्कूटी पर बिठाया और भीमताल जाने के लिए निकल पड़ा। चंदा देवी मंदिर का वो जंगल वाला एरिया है जहाँ पर यह घटना हुई। राधेश्याम पहले ही अपनी बाइक को लेकर वहाँ खड़ा था, उसकी बाइक एवेंजर है, और इधर प्रेमिका के साथ नाजिम स्कूटी से मौके पर पहुँचा। राधेश्याम ने ऐसा बताते हैं कि खाकी रंग के कपड़े पहन रखे थे, और जब उसने हाथ देकर नाजिम को रुकने का इशारा किया तो पीछे बैठी प्रेमिका ने उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने भी कहा कि अगर ये रुकने का इशारा कर रहे हैं तो रुकना चाहिए। हेलमेट पहने हुए नाजिम ने अपना हेलमेट उतारा, राधेश्याम उसके सामने आया और विवाद करने लगा। थोड़ी देर में राधेश्याम ने, जो उनका प्लान था, अपने 315 बोर की रिवॉल्वर निकाली और ठीक उसकी कनपटी के पास से उसमें फायर डाल दिया। नाजिम के चेहरा विकृत हो चुका था, उसके दिमाग का एक हिस्सा उड़ चुका था और एक आंख भी उसकी बाहर निकल चुकी थी। इसके बाद राधेश्याम अपनी बाइक से आगे निकल गया, लेकिन नाजिम की प्रेमिका उसे लेकर वहीं बैठी रही और कुछ इस तरह से उसने शो ऑफ किया, आने जाने वाले लोगों को ऐसा लगे कि किसी ने इनके साथ मारपीट की है और गोली मारकर इसे घायल कर दिया है। तकरीबन आधा घंटे वहां रुकने के बाद नाजिम की प्रेमिका ने एक बोलेरो कार को हाथ दिया। कार का चालक ने उनकी मजबूरी को समझते हुए बिल्कुल मरणासन्न नाजिम को गाड़ी में डाला और हल्द्वानी की तरफ को लेकर निकला। इस बीच नाजिम की प्रेमिका ने नाजिम के भाई को उसके ही नंबर से, नाजिम के भाई का नाम राजू है, उसको नाजिम के नंबर से फ़ोन करके बताया कि सरडी के पास नाजिम के साथ हादसा हो गया है। राजू अपने और परिजनों को लेकर मौके पर पहुंच पाता इससे पहले ही थोड़ा सा आगे को प्रेमिका नाजिम को लेकर बोलेरो कार में हल्द्वानी में आती हुई दिखाई पड़ी। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित ब्रजलाल हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने थोड़ी ही देर में बता दिया कि नाजिम अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि खबर ये भी छन छन के निकली कि जब महिला नाजिम को लेकर चिकित्सालय में पहुंची तो उसने चिकित्सकों को बताया था कि वह उसकी पत्नी है। कुछ देर में काठगोदाम पुलिस भी मौके पर पहुंची। काठगोदाम पुलिस को उसने बताया कि मैं इसकी प्रेमिका हूं। जब नाजिम की मौत की खबर फ्लैश हो गई हल्द्वानी में तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। महिला को पूछताछ के लिए काठगोदाम थाने ले जाया गया। एसएसपी सुनील कुमार मीणा भी शाम को वहां पहुंचे, लेकिन महिला ने जो कहानी बताई उसके हिसाब से दो युवकों ने नाजिम को रास्ते पर रोका, उसके साथ मारपीट की और उस पर फायर झोंक कर फरार हो गए। इस बीच पुलिस ने महिला से की अलग अलग एंगल से पूछताछ की और पुलिस का शक जो था वो महिला पर लगातार गहराता चला गया। पुलिस ने थोड़ा महिला के बारे में उसका इतिहास खंगाला तो पता लगा राधेश्याम नाम का एक उसका प्रेमी भी संभव है कि इस हत्याकांड में शामिल हो। आज सुबह पुलिस राधेश्याम को लेकर दोबारा से नवाबी रोड स्थित उसके घर पे पहुंची और 315 बोर का रिवॉल्वर जिससे कि उसने हत्या की थी और खून से सने हुए कपड़ों को पुलिस ने उसके निशानदेही पर बरामद किया। सुबह लगभग 7:15 बजे महिला को भी अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक हत्यारा यानी राधेश्याम और दूसरी उसकी प्रेमिका जो कि नाजिम की भी पूर्व प्रेमिका है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने अब से कुछ देर पहले भीमताल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा भी किया है। दोनों अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन जरा उस विवाह के बारे में सोचिए जिसका विवाह आज से 37 दिन पहले
नाजिम के साथ हुआ था और जो अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही उसका सुहाग उजड़ गया। तो ये थी हल्द्वानी में आज और कल, यानी दो 24 घंटे के अंदर घटित हुई अपराध की एक ऐसी कहानी जिसने प्रेम शब्द पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने विश्वास पर भी सवाल खड़े किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचे बिना नहीं रहेंगे। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अपराध की एक और कहानी लेकर। नमस्कार।